हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, जो मार्केट का सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के साथ हमें मार्केट में अभी पोजीशन बिल्टअप करना है या नहीं करना है, या मार्केट नीचे में आने वाला है या नहीं आने वाला है, इसके ऊपर डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताएंगे कि जो अभी जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपको क्या कहता है। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इस लाइन को आपको देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने 30 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वेरी सीरियस सीरियसली आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन है। ये दोनों लाइन क्या है ना, इस ईयर का, यानी लास्ट ईयर का, 2023 का, जो दिसंबर को जो लास्ट क्लोजिंग दिया था, ये हाई बनाया था, और इसके बाद एक छोटा सा हाई बनाया, लेकिन ये लास्ट ईयर का हाई है। और सबसे बड़ा बात है कि लास्ट ईयर का ये क्लोजिंग सेक्शन है, ये क्लोजिंग है और ये हाई है, यानी प्रीवियस ईयर यानी 2023 का, ये दोनों पॉइंट है। तो इस पॉइंट के नीचे में, यानी आपको 21,732 के नीचे में है, तो आप रिक्स में है, यानी मार्केट में आपको अपसाइड में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मार्केट में 21,732 के ऊपर ये चलता है, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग के ऊपर ये चलता है, तो आपका एक टारगेट बन सकता है कि ये 800 के आसपास जा सकता है, यानी जो हाई बनाया था उस लेवल तक आ सकता है। ये दोनों हाई पॉइंट है। तो अभी क्या है ना, लेवल 1, लेवल 2, ये हो गया आपका अपसाइड का लेवल हो गया, यानी जिस दिन इसके ऊपर आपको चलेगा तो मान लेना चाहिए नहीं, मार्केट अभी भी ट्रेंड में है, अपसाइड में जा सकता है और अपसाइड का जो लेवल है उसको छू सकता है। लेकिन आप देखें इसके नीचे में आपको कितना आ सकता है, आप देखेंगे तो मार्केट में कितना करेक्शन आ सकता है, यानी हम इलेक्शन को देखकर देखेंगे तो कितना करेक्शन आ सकता है। मार्केट लगभग आपको दिखाई दे रहा है 20,120 तक ये आ सकता है, यानी 20,120 तक मैक्सिमम करेक्शन आ सकता है, या इस लेवल से आपको 4-5% और नीचे भी आ सकता है। लेकिन मार्केट को हम जब ट्रैक करेंगे तो आप देखें तो हमें इसको ट्रेंडिंग पॉइंट से हमें देखेंगे। ट्रेंडिंग पॉइंट क्या है ना, ट्रेंड लाइन को हमें ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैं हाई पॉइंट से ले रहा हूँ, आप बड़ी की बड़ी लगाकर आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ी को बड़ी में लगा कर रहा ले रहा हूँ, देखिए ये वीकली बेसिस का लाइन है, मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया। तो आप देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और इसको मैंने मेजरमेंट किया, ये दोनों पॉइंट को यहाँ से गैप छोड़कर गया था, देखिए कितना बड़ा गैप है। तो ये जो गैप है, मैंने इसको एक बड़ी के साथ मैंने फिर से इसको लॉन्च किया, ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। देखिए, ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो सिंपल है, मैंने वीकली बेसिस में लाइन को ड्रॉ किया और मुझे इतना पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो जा रहा है अपसाइड का, तो इसको मैंने क्या किया ना, मैंने इसको डे बेसिस को कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, आपका डे बेसिस का कन्वर्टिंग लाइन आपको क्या है, देखिए किस लाइन तक ये गया है और क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने 30 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ कि अभी सिचुएशन क्या है। देखिए, 30 मिनट का लेवल आप देख सकते हैं कि निफ्टी का 30 मिनट का लेवल क्या है, और इसको और थोड़ा सा देखिए, ये आपका हाई पॉइंट है। इस लेवल को जब तक जो ब्रेक नहीं किया है तब तक के लिए नहीं है, मैक्सिमम है, और इसके नीचे में आएगा तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, ये जो नीचे का लेवल है, मैक्सिमम हाई पॉइंट का जो लेवल है, हमने इसको 15 मिनट को कन्वर्ट कर देना चाहिए। देखिए, 15 मिनट में ये दोनों लाइन के साथ आपको काम करना चाहिए। इस लेवल पर सपोर्ट लेगा तो लेगा, अदरवाइज ये लेवल को ब्रेक हो रहा है तो मान लेना चाहिए मार्केट में सावधानी से काम करना चाहिए, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो इसीलिए इस लेवल पर आपको सपोर्ट ले रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट में ये लेवल आपको हो जाएगा, ये जो लेवल है ये लेवल आपको हो जाएगा, मैक्सिमम 1 लेवल है। एंड सेकेंड लेवल जो है, ये जो सेकेंड लेवल का आ जाएगा, ये जो लेवल मैं आपको ले रहा हूँ, देखिए ये आपका सेकेंड लेवल हो जाएगा। तो अभी ये दोनों लेवल के बेसिस में हमें काम करना है, छोटे छोटे टुकड़े में काम करना है। अपसाइड में मैक्सिमम है, डाउन साइड में ये है, बजट के बेसिस में आएगा तो ये लेवल तक आएगा, इसके ऊपर ये जाएगा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो रिटर्निंग जो पॉइंट है, हमें देखेंगे तो रिटर्न पॉइंट में हमें कैलकुलेशन करेंगे कि मार्केट कितना रिटर्न दिया है। तो मार्केट का रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट का रिटर्न मैंने कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं,
तो देखिए इसमें रिटर्न जो दिया है मार्केट का, तो आप इसको देखिए, तो ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ रिटर्न का पॉइंट, देखिए ये जो रिटर्न का पॉइंट है, ये देखिए ये निफ्टी का जो रिटर्न है आपको दिखा रहा हूँ, जो निफ्टी का रिटर्न है 2023, आप देखिए 2007 से लेकर 2023 आपका रिटर्न कितना आपको दिखाई दे रहा है, 2007 में आपको 54% आपको दिखाई दे रहा था, उसके बाद 51% माइनस 75% आपको रिटर्न दिखाई दिया, उसके बाद 17%। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका पूरा एक एवरेज निकाली, तो एवरेज जो निकालेंगे तो लगभग आपको आएगा कि 10 से 15% के बीच में आएगा, यानी मार्केट का जो एवरेज जो रिटर्न है 10 से 15% के बीच में आ जाएगा। ये पूरे के पूरे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो एवरेज कैलकुलेशन है, जो मूवमेंट का जो कैलकुलेशन है, वो 8% से लेकर 13-14% तक हम मानकर चलेंगे ईयर बेसिस का आपको मूवमेंट, और आपको ऊपर नीचे एक ये रिटर्न आपको देता है। तो आप इस बे 2007 से लेके 2023 में मैक्सिमम 3 बार को छोड़कर सारे के सारे आपको पॉजिटिव दिया है, और कभी भी आपको जो लग रहा है कि एक दो बार आपको 3% 4% आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद आपको हर टाइम पर आपको 8% के ऊपर आपको दिखाई दिया है। तो इस साल जो 20% आपको रिटर्न दे दिया है, उसके बाद आप देखिए जब भी 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, उसके बाद आपको जो साल रहेगा वो क्या है ना, कंसोलिडेटेड आपको दिखाई देता है, जो ईयर स्टार्ट होता है ये 2024 कंसोलिडेटेड आपको ईयर आ जाएगा, यानी आपको इस ईयर में मैक्सिमम 3 से 4% या 5% आपको रिटर्न दिखाई देगा 2024 के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आपको क्या है ना, इसमें जो करेक्शन आने वाला है इस करेक्शन को देखना चाहिए। ये सारे से सारे जो स्टॉक है, जो हाई वेटेज वाले स्टॉक है, 50 से 60% वेटेज कवर करते हैं, तो ये सारे स्टॉक का आपको रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो साल का है 2023 का है, इसमें आप देख सकते हैं मार्केट 20% रिटर्न दिया है, आप देखिए बैंक निफ्टी 12% रिटर्न दिया है, आपको रिलायंस 11%, HDFC बैंक 5%, SBI 4%, करीब करीब 4.5%, ICICI बैंक 11%, कोटक बैंक 4.5%, एक्सिस बैंक 18% करीब करीब, यानी बैंक निफ्टी से ज्यादा एक्सिस बैंक आपको रिटर्न दिया है, इंडक्शन बैंक 31%, यानी बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा आपको इंडक्शन बैंक रिटर्न दिया है, एशियन पेंट ओनली आपको 10% के करीब करीब रिटर्न दिया है, मारुति 22%, आप देख सकते हैं मार्केट आपको 20% या 22%, यानी ये कंसोलिडेटेड फेज को आ सकता है, एचयूएल ओनली 4%, इंफोसिस 2%। तो जो स्टॉक ऑलरेडी मूवमेंट नहीं दिया है, मार्केट पॉजिटिव है, कंसोलिडेट किया है लास्ट 2023 में, ये सारे के सारे स्टॉक क्या होगा ना, आपको एक के मूवमेंट दिखाने के लिए चाहेंगे, और जो स्टॉक ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है वो कंसोलिडेट करेंगे, करेक्शन आ सकते हैं, बड़े बड़े स्टॉक है ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, एक रेंज बाउंड होकर काम करेंगे इस साल के लिए। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है और किस स्टॉक में आप पोजीशन ले सकते हैं, तो इसीलिए आपको देखकर काम करना चाहिए। और ये जो मैंने आपको जो ट्रेंडिंग बेसिस में जो डाटा आपको दिखाया, जो इंट्राडे बेसिस में जिस दिन इस लाइन को आपको ब्रेक करेगा, यानी ये जो लाइन ट्रेंडिंग आप देख रहे हैं, ये लाइन को ट्रेंड को ब्रेक करेगा, तो उसके बाद आपको एक रिव्यू लेना चाहिए, और उस रिव्यू में आपको देखना चाहिए क्या मार्केट नीचे आ रहा है या अपसाइड में जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो दोनों लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये दोनों लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपको 21,730 के ऊपर फिर से सस्टेंस करना स्टार्ट हो गया, तो आप मानकर चलना चाहिए कि आपको 800 और 887 या 900 तक आ सकता है, और बजट के करीब करीब उसके आसपास आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और नीचे में इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मान लेना चाहिए कि मार्केट करेक्शन के लिए तैयार है, और जो करेक्शन का लेवल है वो करेक्शन लेवल उसके बाद हमें डिस्कशन करेंगे कितना करेक्शन आ रहा है। तो बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी का ये लेवल को ब्रेक किया, देखिए ये लेवल को क्या है ना, रेस्पेक्ट किया, उसके बाद नीचे आ गया, बैंक निफ्टी सेम टू सेम आप देखिए ये लेवल को ब्रेक किया, नीचे आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूं वीकली बेसिस का डाटा के साथ, देखिए देखिए जो वीकली बेसिस का डाटा है इसको मैं लगा रहा हूँ, देखिए ये जो बड़ी फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से मैंने एक बड़ी लिया और ये बड़ी के साथ मैंने लगा दिया, देखिए कितना आ रहा है, और यही आपका ट्रेंडिंग पॉइंट था, और अभी क्या है ना, ये जो ट्रेंडिंग पॉइंट है,
ये ट्रेंडिंग पॉइंट से मैं एक डाटा यहां से लगा रहा हूं। देखिए ये बॉडी के साथ मैंने लगा दिया, और अभी के लिए इसके नीचे में आ रहा है, तो यहां से जो डाटा है ये डाटा नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये है आपका बैंक निफ्टी का डिटेल्स। इसको मैंने आपको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए 15 मिनट का कन्वर्ट करने के बाद आपको कितना पॉइंट आ रहा है, तो देखिए बैंक निफ्टी का कितना पॉइंट आ रहा है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट ले जाएगा 47,645। ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से जो नीचे का जो पॉइंट है 47,257, ये बीच पर आपको एक बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए। और ये जो सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो ये रेजिस्टेंट बन जाएगा, इस पर ब्रेक करेगा। ये लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, मानकर चलिए ये 48,290 के आसपास आने का चांस है, और ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल तक भी आने के लिए चांस है। तो ये लेवल पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो कंडीशन है कि ये लेवल तक हमें देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बाउंस आ सकता है इस लेवल को चेक करने के लिए, और उसके बाद ये टारगेट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है, इस टारगेट बेसिस में हमें देखना चाहिए कि जो ट्रेंडिंग पॉइंट निकल कर आ रहा है उसको 15 मिनट या 30 मिनट में कन्वर्ट कर देखो, तो कि कहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेड करने का तरीका है कि आपको इसको हेकिन ऐसी कैंडल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्स मिलेगा। तो ये लेवल पर आपको आ रहा है तो आराम से यहाँ पर डोजी जैसे बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं था, ट्रेंडिंग पॉइंट नहीं था। आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी डोजी हो रहा था, पॉजिटिव बन रहा था, इस लेवल पर एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेवल नहीं था, लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर डोजी पैटर्न फॉर्मेशन होता है, आपको फॉर्मेशन होता है जो ओपन इंटरेस्ट फॉर्मेशन होता है, 3 से 4 करोड़ का डेली बेसिस में काम होता है बैंक निफ्टी में। उस लेवल पर आपको देखना चाहिए कितना फॉर्मेशन हुआ है, कॉल राइटिंग कितना हुआ है, पुट राइटिंग कितना है, उसके हिसाब से इस लेवल पर आपको पोजीशन लेना चाहिए। और ये पोजीशन आपको एक्सटेंडेड होता है तो मैक्सिमम इस लेवल तक आने का चांस है, अदरवाइज ये लेवल आपको ब्रेक होगा तो इस लेवल पर आसपास आपको डोजी पैटर्न बना रहा है, सपोर्ट बन रहा है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको देखना है और रिव्यू लेना है। रिव्यू का मतलब है कि आप जहां पर डोजी बना रहा है उस लेवल क्या है, क्या इस लेवल पर सपोर्ट है या नहीं है। सपोर्ट है तो हमें एंट्री करना चाहिए, एंट्री के टाइम पर देखना चाहिए क्या जो डेली बेसिस में ओपन इंटरेस्ट का काम होता है बैंक निफ्टी, निफ्टी में जैसे 6 करोड़ के आसपास ओपन इंटरेस्ट का काम होता है, उसमें कॉल राइट पुट राइटर का होता है। मैं चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट के लिए बात बोल रहा हूँ, ऐसे ही बैंक निफ्टी में आपको करीब करीब 4 करोड़ के आसपास काम होता है डेली बेसिस में, तो उसमें आपको कॉल राइटर कितना है, पुट राइटर कितना है, कौन किस लेवल पर है, क्या आपको जो कंडीशन है, फेस लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, या राइटिंग हो रहा है, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, सारे डाटा को अच्छी तरह से एक बार स्टडी करना है। और ये लेवल के आसपास ले रहे हैं तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट में आप टाइम फ्रेम में लगाइए, और यहाँ से जब भी ऊपर जाता है तो आपको उस ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्स एनालिसिस ऑफ, आपको देखना चाहिए इस वीक के लिए, 2 से 3 दिन के लिए है, इसको आप लेकर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।